हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैंने टू टाइप्स के नमकीन बनाए हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने थे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं ये मैंने किस तरीके से बनाया है। इसके लिए ये मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं सौंफ, जीरा, अमचूर और इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। सबसे पहले हमने धनिया को रोस्ट किया है और इन्हें हमें बहुत ही धीमी आंच पर रोस्ट करना है, बहुत तेज पे नहीं करना है। और फिर हमने ज़ीरा डाला है इसमें, सौंफ डाली है और 4 से 5 लौंग डाल दी है, ये देखिए। और हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बस ये चटक जाए, बस उसके बाद हमें फ्लेम बंद कर देनी है। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए और अच्छे से इनमें चट-चट की आवाज़ आने लगे, तो आप इनको बंद कर दीजिएगा। और हमें इनको हल्के हाथों से कूट कर, बहुत बारीक नहीं करना है, ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम बेसन छान कर ले लेंगे और ये लगभग 250 ग्राम के लगभग बेसन है और इसको अच्छी तरीके से हम छान करके ले लेंगे ताकि इसमें कुछ भी। और ये देखिए लहसुन लिया है मैंने, 8 से 10 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक है, और इसको भी हम बारीक कूट लेंगे, ये देखिए। और जो हमने मसाला कूटा था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ये देखिए पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। और मैंने इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची ऐड की है, 1/2 चम्मच भर के ना काली मिर्ची ऐड की है, ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ये देखिए चाट मसाला हमने 1/2 चम्मच ऐड कर दिया है, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तो इसमें मैंने लगभग 4 चम्मच बड़े भर के ऑयल ऐड किया है। और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी हमने इसमें पूरा ऐड कर दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है सारे मटेरियल को, कि कहीं भी हमारा जो एक साइड ज़्यादा ना रह जाए मिक्सचर, नमक वगैरह सब हमें पूरे पहले ड्राई आटे में ही पूरा हम मिला लेंगे बेसन में। और ऑयल को भी हम मसल मसल के पूरे बेसन में मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम लड्डू बना के देख लेंगे कि हमारा मिक्सचर अच्छे से कंबाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं तो फिर हम इसमें और ऐड ऑयल ऐड कर देंगे। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ऑयल, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया। और हम इसको लाइट हाथों से गूंद लेंगे, एकदम से आप पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइएगा। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा आटा गूंद करके तैयार है। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा थोड़ा फूल जाए। और ये देखिए ये सॉफ्ट है एकदम से, बहुत हार्ड नहीं है। और 10-15 मिनट होने के बाद में अब हमने अपने सेव बनाने स्टार्ट किए। इसके लिए देखिए आप चाहें तो इसको हाथों से भी पतले करके बना सकते हैं और मशीन से भी बना सकते हैं, तो मैंने मशीन से ही बनाए थे। ये देखिए हाथ से बना के कुछ डाले थे मैंने, और ये देखिए इस तरीके से मशीन से इजीली निकल जाते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से मशीन से बनाकर निकाल सकते हैं। और इन्हें हमें बहुत ही लो एंड मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत तेज पे मत कीजिएगा।
ये देखिए इस तरीके से हमारे सेव हैं जो फ्राई हो गए एक साइड से। तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट बैच रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे निकाल लेंगे। और मैंने इसी डो से दूसरे डिज़ाइन के भी पपड़े टाइप के बनाए थे, चपटी पपड़ी बनाई थी। तो देखिए वो भी बहुत इजीली बन जाती है। ये देखिए आप फाफड़ा भी कह सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से चपटा वाला जो हमारे जाली है वो लगा के हमने इस तरीके से बनाए थे। और ये भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बने थे। आप एक ही डो से दो टाइप के आप शेप में बना सकते हैं। ये देखिए और ये भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने थे दोनों ही। जब आप थोड़ा सा शेप चेंज कर देते हैं तो ना उसका टेस्ट भी एक अलग तरीके से हो जाता है शेप चेंज होने से भी। तो इस तरीके से बना कर देखिएगा। और फिर बाद में जब शेप ठंडे हो गए थे तो मैंने इस तरीके से उनको तोड़ लिया था। आप चाहे तो बहुत छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, बट मैंने मीडियम ही रखे थे, बहुत छोटे नहीं किए थे। खाने में बड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं। और इस पर थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से और डाल लीजिए। और ये देखिए ये पपड़ी वाले हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए थे फ्रेंड्स। और आपको ये मेरा बनाने का तरीका और बताने का तरीका कैसा लगा तो फ्रेंड्स ज़रूर से बताइएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे आपके सेव। और ये पपड़ी बेसन पपड़ी कह सकते हैं आप इसको।